तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले थे कि डेटा को डिलीट कैसे करते हैं डेटाबेस में से। ठीक है, तो जो लास्ट में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि लास्ट में हमने जो भी डेटा था वो डेटाबेस में से फेच करवाया था, और फेच करवाने के बाद हमने कहाँ पे रखा था उसको, हमारे view.php के अंदर हमने उसको रख दिया था। तो उसके लिए पहले हमने क्या किया था कि डेटा को लाने के लिए पहले हमने उसके लिए डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाई थी। ठीक है, वो हमने कहाँ पे लिख दिया, database.php के अंदर वो लाइन हमने लिख दी ताकि हमें बार बार वो लिखनी ना पड़े। फिर मुझे डेटा चाहिए तो मैंने सिलेक्ट की क्वेरी यहाँ पे लिख लिया, उसको मैंने यहाँ पे फायर करवा दिया, तो जो भी डेटा होगा वो मुझे कहाँ पे मिल जाएगा, क्यू वन के अंदर, मतलब इसके अंदर काउंटिंग के फॉर्म में देता है, और जो डेटा है उसके अंदर जो पड़ा है वो मुझे चाहिए। ठीक है, उसको मुझे रखना पड़ेगा फेच एरे के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फेच अरे लाइन टू लाइन, मतलब रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड जितना भी रिकॉर्ड होगा यहाँ पे मुझे प्रिंट कर, जैसे ही रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा तो लूप को यहाँ पे ओवर कर देगा। ठीक है, तो ये लूप को वहाँ से डेटा लाने के लिए एक फंक्शनलिटी दी हुई थी। तो अब मुझे क्या करना है कि जो भी डेटा मेरे पास है उसको मुझे डिलीट करना है। कहाँ से, मतलब सारा डेटा नहीं, जो मुझे डेटा नहीं चाहिए, समझे कि ये डेटा मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये डेटा डेटाबेस में से और यहाँ से भी डिलीट हो जाना चाहिए, तो ये चीज़ मुझे बनानी थी। तो यहाँ पे क्या करना है कि हर एक रो के बाजू में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक डिलीट नाम का कमांड लिखना पड़ेगा, जिस डिलीट पे आप क्लिक करोगे वो डेटा डेटाबेस में से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक और नई कॉलम, जैसे आपके पास स्टूडेंट आईडी नेम और फोन है वैसे ही आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक नई कॉलम बनानी पड़ेगी। तो उस कॉलम को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हम अपने उसको बनाने के लिए हम अपने कोडिंग के अंदर जाते हैं, तो पहले मुझे हेडिंग के अंदर भी एक कॉलम बनानी पड़ेगी, और हमने जो लूप चलाई है उसके अंदर भी एक नई कॉलम ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कॉलम के अंदर क्या ऐड कर रहा हूँ, एक नई कॉलम TD, और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक्शन दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे जो भी नाम देना वो दे सकते हैं, आप यहाँ पे डिलीट भी दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और अपने कोडिंग में जा रहा हूँ, तो वापस मुझे एक कॉलम यहाँ पे दिखाई देगा। देखा, वो सिर्फ एक ही बार थी क्योंकि ये इसको मैंने लूप के अंदर रखा नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जितनी भी मेरे पास लूप है, जो जितना भी डेटा हम ऐड कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक लिंक आ जानी चाहिए, जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो वो डेटा परमानेंटली हमारे डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी लूप चल रही है उसके अंदर भी मुझे एक कॉलम यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नई कॉलम ले रहा हूँ TD करके, और उसके अंदर सिर्फ लिख रहा हूँ डिलीट, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर किसी भी तरीके का एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हर एक रो के अंदर एक डिलीट नाम का वर्ड आ गया होगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब मुझे जिस पे क्लिक करूंगा तो ये एक्शन परफॉर्म करवाना था कि जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो डिलीट होगा तो सही, पर किससे किसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर्ष नाम है, तो हर्ष नेम के अंदर ये डुप्लीकेट आ सकता है, फोन नंबर भी डुप्लीकेट आ सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपका नंबर मैच होता है तो जिसने रिकॉर्ड के अंदर, मतलब जब भी आप कोई भी डेटा पास करवाते हो तो हर एक रिकॉर्ड के साथ फोन नंबर के अंदर जितना भी रिकॉर्ड था उसके साथ वो चेक करवाता है। अगर आपने फोन नंबर डुप्लीकेट डाला है, मतलब 3 से 4 फोन नंबर सेम है, तो आपका डेटा एक साथ तीनों के तीनों डेटा को डिलीट कर देगा, मतलब फोन नंबर से आप डिलीट कभी करवा नहीं सकते। अगर आपने जब भी डेटा डाला है तो आपका फोन नंबर यूनिक होगा, मतलब जब भी आपने प्रोसेस करवाई तो वो ये प्रोसेस यूनिक होनी चाहिए, तो आप यहाँ से फोन नंबर के बेस पे डिलीट करवा सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि नेम से तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि नेम कभी भी डुप्लीकेट यहाँ पे आ सकता है, तो एक साथ वो सारे रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर सकता है जितने भी सेम हो रहे नेम वो। ठीक है, तो एक बचा क्या हमारे पास, स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्राइमरी, मतलब इसके अंदर कभी भी डुप्लीकेट आएगा नहीं, फ्यूचर में भी आने वाला नहीं है। अगर आपने किसी भी तरीके के डेटा को यहाँ से डिलीट कर दिया बीच में से, तो भी वो नया रिकॉर्ड नई की के आधार पे ही रखेगा, कभी भी पुराना रिकॉर्ड वो रिपीट करता नहीं है। तो जब भी आप डिलीट करोगे तो किसके बेस पे करना है आपको, हमें ऑलवेज उसकी आईडी पे बेस पे करना है आपको डिलीट। तो जब भी आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हो तो आपको क्या पास करवाना है, उसके साथ उसकी आईडी पास करवानी है। तो इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है, जब भी आप यहाँ से डेटा पास करवाते हो या पोस्ट करते हो तो आपका डेटा क्या होता है, एक तरीके से एरे के फॉर्म में पास डेटा पास हो जाता है।
अब मुझे क्या करना है कि जब भी मैं जिस भी लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका डेटा भी पास होना चाहिए, पर मुझे किस फॉर्म में मिलना चाहिए? गेट फॉर्म में। मतलब हमें एक क्वेरी स्ट्रिंग बनानी, मतलब मुझे क्वेरी लगाने के लिए उसके अंदर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा पास करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो उसका नाम उन लोगों ने क्वेरी स्ट्रिंग दिया, और जब भी डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा तो वापस मुझे यही पेज चाहिए। मतलब डेटा डिलीट तो हो गया है पर 4 नंबर समथिंग, ये 4 नंबर की आईडी है, मैंने डिलीट कर दी, तो वापस मुझे कुछ कितने डेटा मिलने चाहिए? 1 2 3 5 6 7 8, 4 नंबर का रिकॉर्ड मुझे वापस मिलना चाहिए। नहीं, मतलब डिलीट करने के बाद में इसी पेज पे रहना चाहिए मुझे, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे पहले तो इस पेज की लिंक देनी पड़ेगी। क्या लिंक? तो अगर मुझे इस पे क्लिकेबल इवेंट बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एंकर टैग के अंदर रख रहा हूँ। एंकर टैग के अंदर मुझे क्या देना होता है? HREF देना होता है, ठीक है? और एंकर टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो देखना है ये अभी भी, जब भी इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है? आगे लिंक, इस पे मैंने क्लिक किया तो देखो हमारा पेज बार बार रिलोड हो रहा है, ठीक है? पर कहाँ पे जा रहा है वो नहीं पता चल रहा है। तो मुझे इसी पेज के अंदर रहना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेज का नाम view.php कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर लिख रहा हूँ view.php, क्योंकि डिलीट होने के बाद इसी पेज में चाहिए। उसके बाद आपको बनाना है कि कौन कौन सा डेटा आपको यहाँ से पास करवाना है, ठीक है? तो एंकर लिंक के अंदर, मतलब view.php के अंदर आपको कौन कौन सा डेटा पास करवाना है वो आपको कहाँ पे देना पड़ेगा? जब भी आप लिंक पे क्लिक करते हो तो उसके साइड में देना होता है। इस लिंक के अंदर जब आप इस ये लिंक दे रहे हो तो इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी स्पेस आएगी नहीं, नहीं स्पेस हो गई तो आपको सही से डेटा कभी भी मिलेगा नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो डिलीट करने के बाद मैंने पेज का नाम तो दे दिया, अभी इसी पेज में रहना चाहिए। अब कौन से डेटा को पास करवाना है? तो जब भी आप फर्स्ट रिकॉर्ड पास करवाए तो हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है? जब भी आप फर्स्ट रिकॉर्ड पास करवाते हो तो क्वेश्चन मार्क आता है, और जब भी हम डेटा पोस्ट करवाते हो तो किस फॉर्म में होता है? की और एरे के फॉर्म में, की और वैल्यू के फॉर्म में होता है। जैसे एरे के अंदर होता है, एरे के अंदर किस तरह होता है कि जो एक की होती है, और एसोसिएटिव एरे के अंदर भी सेम होता है, की और वैल्यू के फॉर्म में जो भी डेटा होता है वही डेटा आपको यहाँ पे एज इट इज पास करना, पर एरे नहीं बनाना, आपको एरे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, कौन सा एक्शन में करवा रहा हूँ, तो मैं एक्शन अपने तरीके से दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं एक्शन एक हमारी की हो गई, उसके अंदर वैल्यू में क्या दे रहा हूँ? डिलीट दे रहा हूँ, ठीक है? और दूसरा डेटा, ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया। कभी भी मुझे डेटा पास करवाना हो तो ये हमारी एक्शन क्वेश्चन मार्क के बाद जो मैंने लिखा है एक्शन, वो हमारी की हो गई, और इक्वल टू करके मैंने जो लिखी है डिलीट, वो हमारी वैल्यू हो गई। अब इसके बाद मुझे एक और रिकॉर्ड पास करवाना है, तो मुझे यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा? M% आएगा। मतलब आप तीसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे अपनी की बना दी और उसकी वैल्यू बना दी, फिर आपको तीसरा रिकॉर्ड पास करवाना, तो ये आपका दूसरा रिकॉर्ड हो गया की और वैल्यू के फॉर्म में। तो तीसरा रिकॉर्ड पास करवाना हो तो वापस आपको एंड करना पड़ेगा। मतलब जब भी आप पेज के बाजू में फर्स्ट रिकॉर्ड पास करवाते हो तभी आप पहली बार क्वेश्चन मार्क लिखोगे, ये इसका सिंटेक्स है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो पहली बार जब भी फर्स्ट रिकॉर्ड पास करवा दो क्वेश्चन मार्क आएगा, और उसके बाद जब भी आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितने भी रिकॉर्ड पास करवाने तो बीच में आपको क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे? M%। तो उसकी मदद से वो क्या कहता है कि भी वो डिफाइन करता है भी ये उसकी सेकंड रिकॉर्ड की है और उसकी वैल्यू, और तीसरा रिकॉर्ड यहाँ से चालू हुआ और मैंने यहाँ पे रख दिया इसकी की है OP और इसकी वैल्यू यहाँ पे हो गई है LO, ठीक है? मतलब आप जितना भी रिकॉर्ड पास करो उतना करें, जब भी आपका रिकॉर्ड खत्म हो जाए तो आपको कोई M% देना नहीं है। मतलब 3 रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे पास करवाए, ठीक है? तो ऐसे आप जितने भी रिकॉर्ड एंकर लिंक में पास करवाने उतने करवा सकते हो। तो मुझे यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड पास करवाने, कौन से? तो एक्शन के अंदर डिलीट हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, मुझे इसके अंदर आईडी भी पास करवानी पड़ेगी। किसके आधार पर मुझे डिलीट करना है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ही पास करवाने। तो मैं यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, स्टूडेंट आईडी। आप यहाँ पे अपनी तरीके से कुछ भी दे सकते हो, पर यहाँ पे वैल्यू, अब वैल्यू आप क्या दोगे यहाँ पे? स्टूडेंट की आईडी, क्योंकि ये लूप के अंदर घूम रहा है, तो आपको आईडी यहाँ पे जैसे मिल रही है वैसे ही यहाँ कहाँ पे मिलने वाली है, यहाँ पे मिलेगी। तो मैं इसको यहाँ से हटा के क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे PHP टैग के बारे में ये कॉपी कर रहा हूँ, ठीक
ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कराओ। किसी भी तरीके की कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या दे दिया, आईडी दे दी, तो यहाँ पे आपको जैसे आईडी मिल रही है वैसे यहाँ पर यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे दो रिकॉर्ड पास करवाए, कौन कौन से, तो इस पेज के बाजू में फर्स्ट रिकॉर्ड जब भी आप पास करवाते हो तो एक्शन लिखो, ठीक है, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करवाना है तो डिलीट, फिर एम परसेंट दूसरा रिकॉर्ड पास करवाना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एम परसेंट, और यहाँ पे आगे की, आप अपनी तरीके से कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट डेटा भी लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो भी आपको आईडी यूनिक चीज़ है वो आपको यहाँ से पास करवानी है। तो देखना ये कैसे एग्जैक्टली यूज होता है। तो मैं यहाँ पे जाने के बाद रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखो जिस पे भी मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कॉर्नर में आपकी उसकी लिंक दिखाई दे रही है, देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि view.php ? action equal to delete और ampersand equal to ampersand student data equal to 1। अगर मैं इसको दूसरे पे ले जाऊंगा तो उसकी आईडी देखो बदल गई, तीसरे पे बदल गई, चौथे पे बदल, मतलब ये हमारी एंकर लिंक परफेक्ट सही से चल रही है, ठीक है। अब जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा तो पूरा पेज क्या हो जाएगा, रीलोड होगा। रीलोड होने के बाद इस पेज के बाजू में जो भी हमने एंकर लिंक यहाँ पे दिया हुआ है पेज के बाजू में वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैं समथिंग 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे मैं 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि यहाँ पे आपको सही तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग बनानी है, किसी भी तरीके की मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके बीच में कहीं पर भी स्पेस हो गई तो आपकी क्वेरी स्ट्रिंग सही से वर्क नहीं करेगी, ठीक है। आपने अब आप सोच रहे हो कि अगर मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ से 4 नंबर का मिल भी रहा है, सही से मिल रहा है, तो डेटा डिलीट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो डेटा को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस उसको बताना पड़ेगा, डिलीट की क्वेरी यहाँ से चलानी पड़ेगी। आपको 4 नंबर मिल तो रहा है पर अब डेटा डिलीट करने वहाँ पे तो आपको भेजा नहीं क्वेरी को। तो जब भी आपको यहाँ पे URL मिले उसके बाद की प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ अब क्या करना है आपको। तो जैसे ही आप किसी भी डिलीट पे क्लिक कर रहे हो तो पेज आपका क्या हो रहा है, पूरे का पूरा रीलोड हो रहा है ना। देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि पेज क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो रीलोड होगा तो पूरा डेटा वापिस यहीं से रीड करेगा और वापिस ऐसे एज इट इज प्रिंट करके दे रहा है। तो हमें क्या करना है कि जो हमें URL में डेटा मिल रहा है उसको फेच करवाना है, डेटा को फेच करवाना है और क्या करना है कि 5 नंबर की आईडी जहां पे मिल रही है उसको डिलीट की क्वेरी के अंदर सेट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना दूंगा। ये चलेगा कब फंक्शन, के जब भी यहां पे एक्शन मिलेगा तभी। अगर यहां पे कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ होने वाला नहीं है, मतलब डिलीट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ही यहाँ पे URL बदलेगा, URL बदलेगा तभी आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, तभी आपकी एक वो फंक्शनलिटी वर्क करेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि डिलीट करने के लिए जो हमारी ये क्वेरी हमने चलाई है उसके ऊपर, कहाँ पे, उसके ऊपर ये डेटाबेस के नीचे जो आपने लिंक अटैच करवाई उसके नीचे आपको एक फंक्शन बनाना है, इस सेट, ठीक है। और URL में से मुझे कभी भी डेटा चाहिए तो अब मुझे कौन सी मेथड चलानी पड़ेगी। टोटल हमारे पास कितनी मेथड है, गेट है, पोस्ट है, ठीक है, ये दो मेथड हम अभी भी यूज कर रहे हैं, तीसरी मेथड रिक्वेस्ट है उसका हम कम ही यूज करते हैं, ठीक है। तो पोस्ट तो कब चलेगी, जब आपके पास URL में सिक्योरिटी बेस पे डेटा पास करवाना हो तो, और मुझे URL में से डेटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां से गेट मेथड यूज करनी पड़ेगी। गेट की मदद से URL में जो डेटा पड़ा हुआ है वो आपको मिल जाएगा एरे के फॉर्म में, इसके बाद जो भी डेटा है वो आपको एरे के फॉर्म में दे देगा। उसमें से आपको क्या चाहिए तो उसकी की बाजू में आपको लिखनी होती है, ठीक है। तो पहले मुझे क्या चेक करवाना है कि अगर मुझे एक्शन के अंदर डिलीट मिल रहा है, ठीक है, तो ही हमारा वो फंक्शन वर्क करे जो हमने अभी बनाया। तो मुझे इस सेट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा कि $_get, क्योंकि URL में डेटा मिल रहा है तो उसको लेने के लिए मुझे गेट मेथड ही अप्लाई करनी पड़ी। अगर मुझे URL में कुछ नहीं मिल रहा तो मैं गेट मेथड के अंदर कुछ भी मुझे मिलेगा नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, उसकी की, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसको यूज कर सकते हैं, तो मैं फंक्शन नहीं बना रहा हूँ,
तो डॉलर अंडरस्कोर गेट और उसके अंदर किसी भी तरीके की की, तो हमने क्या बनाई थी, एक्शन बनाई थी, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्शन। एक्शंस है या एक्शन है वो भी आपको देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ एक्शन लिखा है। तो जैसे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे सेव नहीं किया, तो पहले उस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने गेट के अंदर एक्शन लिखा है ना, तो मुझे देखना उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो मुझे मिलेगी। देखो यहाँ पे क्या मिला मुझे, डिलीट, क्योंकि मैंने उसके अंदर क्या पास करवाया था, डिलीट ऊपर लिखा है वैसे ही सेम एज इट इज। यहाँ पे हमने लिखा है इस, ये की हो गई और ये हमारी वैल्यू हो गई, तो हर बार वैल्यू हमें सेम ही मिलने वाली है। तो मैं अब क्या लिखता हूँ वहां पे, स्टूडेंट डेटा। तो अब देखना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा, मतलब यूआरएल में से कभी भी मुझे डेटा चाहिए तो किस फॉर्म में मिलेगा, गेट के अंदर मुझे उसकी की लिखनी पड़ेगी। की लिखूंगा तो वैल्यू अपने आप उसमें अंदर से फेच होके आ जाएगी। देखो यहाँ पे टू आ गया, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो तीन हो जाएगा, यहाँ पे फोर फाइव सिक्स सेवन, तो जो भी डेटा पे क्लिक कर रहा वो डेटा मेरा मुझे वहां पे ऊपर मिल रहा है। किस वजह से यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए। अब देखना मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके की यूआरएल नहीं मिल रही है, यूआरएल में से डेटा नहीं मिल रहा, तो आपको वहां पे की भी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, यहाँ पे की भी मिलने वाली नहीं है, तो आपको क्या दे देगा वो, यहाँ पे एक वन टाइप ऑफ एरर दे देगा। क्या दे देगा, एरर। इसीलिए हमने इसको इफ कंडीशन के अंदर रखा है, अगर मिलेगा तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। इको के अंदर अभी भी हमें यहाँ पे रिकॉर्ड मिल रहा है, देखो। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, अब देखना मुझे एरर दिखाना चालू हो जाएगा, अनडिफाइंड इंडेक्स स्टूडेंट डेटा। क्यों, जब भी हम रिफ्रेश करते हैं तो यूआरएल में तो कुछ था नहीं, तो यहाँ पे उसे कुछ मिलने वाला है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे देगा, वन टाइप ऑफ एक एरर दे देगा। तो इसीलिए हम इसको फंक्शन के अंदर बना के रखते हैं, किसमें, फंक्शन के अंदर। तो इफ इस सेट के अंदर अगर मुझे गेट के अंदर एक्शन मिल रहा है, एक्शन मिलेगा तो ही उसके अंदर जाएगा, वरना जाने वाला नहीं है। अब देखना मैं इसको कहाँ पे रखता हूँ, गेट के अंदर, दूसरी की हमारी कौन सी थी, स्टूडेंट डेटा। ठीक है, अब देखना मेरे पास यूआरएल में अभी भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो ये एरर चली जाएगी, क्योंकि इफ कंडीशन क्या दे देगा आपको, फॉल्स कर देगा, मतलब इफ के अंदर जाने ही नहीं देगा, अंदर जाने ही नहीं देगा, तो वहां पे आपको वैल्यू मिलने वाली भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो बाहर ही आ जाएगा, तो आपको एरर दिखाएगा नहीं। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर रहे हो, देखना तो कंडीशन क्या होगी, आपकी यूआरएल में डेटा मिल रहा है तो आपको अंदर जाने की परमिशन दे रहा है, तो स्टूडेंट डेटा के अंदर जो भी की पड़ी होगी वो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जब भी आप यहाँ पे एंकल निक में डेटा लिखते हो, ठीक है, और रिफ्रेश हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन मतलब फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। और कहाँ पे फंक्शन बनाना है, जो भी आपकी क्वेरी फेच हो रही है उसके ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि सही से मुझे डेटा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी एक वेरिएबल में ले लेता हूँ आईडी। ठीक है, तो आईडी मुझे यहाँ पे मिलनी चालू हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो डेटा डिलीट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और क्वेरी लिख लेता हूँ डिलीट की, डिलीट करने के लिए। तो डिलीट की क्वेरी हमने इससे पहले यूज की थी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और कहाँ से डिलीट करना है, जो डेटा जो आईडी मिल रही है, ठीक है, वही मिलनी चाहिए और वही रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जिस फील्ड के अंदर हमें मैच करवाना है उस फील्ड का नाम, इस फील्ड के अंदर हमें ये फील्ड हमारी कहाँ पे होगी, हमारे जो स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर स्टूडेंट फील्ड, और यहाँ पे मुझे वेयर क्लोज देना पड़ेगा। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट वाले टेबल में से मुझे डिलीट करना है, पर कहाँ से, तो वेयर क्लोज आ जाएगा, और किस फील्ड के अंदर मैच करवाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी के अंदर किस डेटा को चेंज मैच करवाना है, तो इस डेटा को जो आईडी हमें ऊपर मिली है उसको मुझे यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर रखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी वन टाइप ऑफ क्वेरी हो गई, और जो क्वेरी हमें मिली है उसको मुझे वहां ले जाना पड़ेगा। उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं MySQL आई क्वेरी, और उसके अंदर मैं पहले तो कनेक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेरी को वहां पे फायर करवा रहा हूँ। तो देखना डेटा सही से चल रहा होगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा, उसके बाद वापिस बाहर आने के बाद जो भी डेटा डिलीट हो गया है, मतलब डेटा तो वहां पे मैंने एक नंबर का डिलीट कर दिया, तो वापिस वो रीड करेगा, मतलब वहां पे उसे अब एक नंबर का रिकॉर्ड मिलेगा
नहीं तो जो भी डेटा मिल रहा है वो मुझे वापस दे देगा, मतलब हमारा जो डेटा है वो मुझे डिलीट के बाद का डेटा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं एक नंबर पे क्लिक करूंगा तो वहां पे जाएगा, डेटा डिलीट कर देगा और वापस वो रीड करेगा, तो एक नंबर तो उसे मिलने वाला नहीं है, तो दो नंबर से स्टार्ट करेगा, मतलब हमारा रिकॉर्ड वो परमानेंटली डिलीट हो गया। देखा, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। और मुझे मैसेज भी चाहिए भी डेटा सक्सेसफुली डिलीटेड, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको वेरिएबल में ले रहा हूँ और उसको कंडीशन में दे रहा हूँ, अगर डेटा डिलीट हो रहा है तो ही वो मुझे मैसेज दे वरना ना दे। तो क्वेरी वन के अंदर मैं इको करवा रहा हूँ रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है, और सेव कर दिया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करो, जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करूंगा तो मैसेज आ रहा है बार बार, और एक्शन को जैसे आप यहाँ से हटा रहे हो तो आपका मैसेज यहाँ से चला जा रहा है, ठीक है। तो इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वापस रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, तो डेटाबेस में से परमानेंटली हमारा रिकॉर्ड है वो डिलीट भी हो रहा है। तो आपको उसको देखना है तो प्रैक्टिस में जाओ और यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपके पास तीन या चार रिकॉर्ड ही पड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे ही आप लास्ट रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो यहाँ पे जाने के बाद आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी आपका डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं वो आपको दिखाएगा। तो पहले एक्शन कहाँ पे होती है, डेटाबेस में होती है, और वहां से वापस आपको डेटा फेच करवा के देता है। तो जितने भी इंटरेक्शन है वो सारा डेटाबेस के साथ ही है, पर अब हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी हम रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी थी, ठीक है। तो वापस हम रिपीट कर लेते हैं, तो पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक एंकर लिंक बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे किस तरीके से डेटा पास होगा, तो क्वेश्चन मार्क की मदद से डेटा पास होने वाला है पहला रिकॉर्ड, और उसके बाद आपको एक्शन देनी है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब क्या आप कर रहे हो, उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड ऑलवेज पास करवाओगे तो बीच में एम परसेंट आएगा, फिर की आएगी और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो यूनिक है उसी के आधार पे हम डिलीट करते हैं, ठीक है, नेम और फोन नंबर के आधार पे डिलीट नहीं करते, अगर वो यूनिक नहीं है तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो मुझे ऊपर डेटा मिलना चालू हो जाएगा, तो मुझे वहां पे क्या बनाना पड़ेगा कि गेट के अंदर मुझे एक्शन मिल रही है, ये कैपिटल में होना चाहिए, एक्शन मिल रहा है तो उसके अंदर जाएगा, और जो भी हमने आईडी पास करवाई है वो आईडी में एक वेरिएबल के अंदर ले ली, और उसके बाद डिलीट की क्वेरी चला दी। जैसे डिलीट की क्वेरी फायर होगी और सही से चल रही हो तो मैसेज दे देगा डेटा डिलीटेड, वहां से डेटा डिलीट भी हो जाएगा डेटाबेस में से, और वापिस मुझे क्या करेगा, डेटा फेच करवाएगा और लूप वापिस घूमेगी। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो रही है इसलिए हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो आपको ऑलवेज इसी सिस्टम को फॉलो करवाना है, पहले आपको डेटा लाना है उसके बाद आपको उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNWIT की एप्लीकेशन है वहां पे, जिसकी मदद से आपकी अटेंडेंस वहां पे हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, थैंक यू।